हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग एथिलीन के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे थे, और वहाँ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एसीटोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आइसोप्रोपेनॉल से देखी थी। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एसीटिलीन के डेरिव सॉरी एथ सॉरी प्रोपिलीन के डेरिवेटिव्स और एक्राइलो नाइट्राइल के बारे में पढ़ेंगे। एक्राइलो नाइट्राइल का क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली जो इसकी पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मॉलिकुलर वेट इसका 53.06 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं पर्टिनेंट प्रॉपर्टीज़ में, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। किसी भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो सेपरेशन प्रोसेस में हम लोग यूजुअली डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, और वहाँ पर रिलेटिव वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे ही डिपेंड करती है। जो ड्राइविंग फैक्टर डिस्टिलेशन कॉलम्स के होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.5 डिग्री सेल्सियस है। डेंसिटी जो है वाटर से ये लेस डेंस है, 0.807 इसके डेंसिटी है। तो एक्राइलो नाइट्राइल जो है बेसिकली जो एक्राइलो एक्राइलिक पॉलीमर ये मोनोमर्स हैं उस ग्रुप में सबसे जो है कॉस्ट कम इस प्रोडक्ट की है, एक्राइलो नाइट्राइल की। और जो आप एक्राइलो नाइट्राइल है जो इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, तो जो सी से ट्रिपल बॉन्ड एंड बन रहा है ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे रिएक्शंस के ज़्यादा चांसेस हैं। रिएक्शन जब हाईली रिएक्टिव है तो फिर ये है कि ज़्यादा रिएक्ट करके ज़्यादा केमिकल के फॉर्मेशन करेगा। जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है ये भी रिएक्टिव होता है, हम लोग जानते हैं ओलिफिन्स रिएक्टिव होती हैं। तो बेसिकली एक्राइलो नाइट्राइल है, तो यहाँ पे भी रिएक्शन के चांसेस हैं सी ट्रिपल बॉन्ड एन पे, और सी डबल बॉन्ड सी पे भी रिएक्शन के चांसेस हैं। तो ये जो है काफ़ी रिएक्टिव होता है, और बेसिकली पॉलीमर इंडस्ट्री में इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा यूज़ होगा। और जो मेजर इसके यूजेस हैं तो ये क्या करता है, एज ए सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट है तो डिफरेंट प्रोसेसेस में ही एज ए सॉल्वेंट यूज़ होगा। जैसे डीएनए सिंथेसाइजर में हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। आपको ये जो ब्यूटाडाइन का एक्सट्रैक्शन है C4 से, C4 में जैसे ब्यूटिलीन है, ब्यूटेन है और ब्यूटाडाइन है, तो वहाँ पर एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जो एक अपना HPLC होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ ग्राफ जो है, वहाँ एनालाइज़ करते हैं प्रोडक्ट को कि कौन कौन से किस एक सैंपल में कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये तो बेसिकली इसके यूजेज़ हैं, लेकिन जो मेजर इसका कंजम्पशन है, कौन से कंपोनेंट या किस केमिकल्स के लिए इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, तो सबसे ज़्यादा जो इसका कंजम्पशन है एक्राइलिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, रेजिन्स के और इलास्टोमर। तो तीन बेसिक अपने इसके एप्लीकेशंस आए हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी होती है, क्या एक्राइलिक फाइबर को मैन्युफैक्चरिंग में होता है सबसे ज़्यादा इसका यूज़, फिर रेजिन्स के और देन इलास्टोमर्स के। अब जो एक्राइलिक फाइबर्स हैं या ये प्लास्टिक्स हैं, उनमें कौन कौन से दो मेजर प्लास्टिक्स हैं जिसके प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन ABS है, और एक है स्टायरीन एक्राइलो नाइट्राइल। तो दो इम्पॉर्टेंट जो इसके यूजेज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग में उसके होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका एक्राइलिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग में, रेजिन्स और इलास्टोमर। तो रेजिन्स बेसिकली प्लास्टिक बनाने में काम आती हैं, तो फिर जो एक्राइलो नाइट्राइल ABS और SAN जो प्लास्टिक्स हैं वो फॉर्मेशन में होता है। तो अगर इसका पैटर्न देखा जाए कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो मोर देन मान लीजिए 70%, ऑलमोस्ट 73% जो कंजम्पशन है एक्राइलो नाइट्राइल का, वो एक्राइलिक फाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेसिस में होता है पॉलीमराइजेशन से। और एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन एंड स्टायरीन एक्राइलो नाइट्राइल ये दो प्लास्टिक्स हैं, उनमें अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास जो है कंजम्पशन होता है एक्राइलो नाइट्राइल का। फिर नाइट्राइल रबर के भी फॉर्मेशन में यूज़ होता है 3%, एडिपो नाइट्राइल के मैन्युफैक्चरिंग में 6% के आसपास यूज़ होता है, और अदर्स केमिकल के मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें एक्राइलो एक्राइलो अमाइड है
उस वो 6% के आसपास यूज होता है। तो हाईएस्ट कंजम्पशन जो है एक्राइलिक फाइबर का है। तो मेजर एप्लीकेशन अगर हमें याद रखनी है तो तीन कंपोनेंट का एटलीस्ट याद रखना है कि जो एक्राइलो नाइट्राइल है वो एक्राइलिक फाइबर के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होगा, फिर एबीएस और एसएएन, एक्राइलो नाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन और स्टाइरिन एक्राइलो नाइट्राइल, ये मेजर आपका कंजम्पशन हुआ। फिर मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे की जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो अप्रॉक्सीमेटली 90% वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है वो अमोनिया के ऑक्सीडेशन से, एयर के प्रेजेंस में प्रोपिलीन के ऑक्सीडेशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया है तो अमोक्सीडेशन प्रोसेस भी इसको कहते हैं। तो 90% जो प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड है अभी भी ये प्रोपिलीन के अमोनिया के प्रेजेंस में एयर के हेल्प से ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसको अमोक्सीडेशन, प्रोपिलीन अमोक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। कुछ प्रोसेस हैं जो एससीएन के एडिशन करेंगे, एससीएन है आप जैसे एसिटिलीन है, एसिटिलीन में बेसिकली क्या है, सीएच ट्रिपल बॉन्ड सीएच है प्लस उसमें आप एससीएन ऐड कर दीजिए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये अपना एक्राइलो नाइट्राइल हम लोग को मिल गया। लेकिन वही इशू आ जाता है कि कॉस्ट का, कि जो कॉस्ट होती है एसिटिलीन की ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये प्रोसेस उतना ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है इन कंपेरिजन टू प्रोपिलीन अमोनिया एयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। फिर एसिटल्डिहाइड पे एससीएन की रिएक्शन कराते हैं तभी ये प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली जो हम लोग इंटरेस्टेड हैं जो प्रोसेस पढ़ने के बारे में, वो प्रोपिलीन अमोनिया एयर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो इस केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी इसकी, तो आप हमारे पास क्या है प्रोपिलीन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये प्रोपिलीन है। प्रोपिलीन की अमोनिया के प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे O2, तो हम लोग को क्या बनेगा एक्राइलो नाइट्राइल, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक CN, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये कार्बन रहेगा और यहाँ से नाइट्रोजन है, प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ से हो रहा है तो H2O बनेगा। यहाँ पे कितना है, कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, अगर 2 मोल से इसके, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, तो 3H2O, 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3/2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन हो रही है आपका, प्रोपिलीन ले रहे हैं उस पर अमोनिया की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं एयर से, तो आपको एक्राइलो नाइट्राइल मिल रहा है प्लस H2O प्लस। ये रिएक्शन कैसे है, ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, तो हीट जनरेट होगी यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट जो सेलियंट फीचर रिएक्शन के क्या क्या हैं, कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशियन लेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, वो ऑलमोस्ट जो है ना 1:1, मतलब जितना प्रोपिलीन का लेंगे उतना ही अमोनिया का लेंगे, उससे स्लाइटली ज़्यादा जो है ना 1.5 टाइम्स जो है एयर का लेंगे। और ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसी होती हैं, रिएक्शन हालांकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है लेकिन हायर टेम्परेचर पे होती है, लगभग 400 to 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है, और प्रेशर जो है ना 1.5 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है यहाँ पे। तो सिर्फ एक्राइलो नाइट्राइल नहीं बनता यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट्स भी फॉर्म होते हैं। बाई प्रोडक्ट्स कौन कौन से फॉर्म होते हैं, आपका एसिटो नाइट्राइल फॉर्म होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल ट्रिपल बॉन्ड N, और हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्म होता है साइड रिएक्शंस के थ्रू, हाइड्रोजन साइनाइड SCN। ये आपके दो प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप अगर रिएक्शन मिक्सचर फाइनली हम लोग को जो सेपरेशन करना होगा वहाँ पर क्या होगा, एसिटो एक्राइलो नाइट्राइल है, एसिटो नाइट्राइल है, SCN है, कुछ अनरिएक्टेड प्रोपिलीन होगी, और देखेंगे कि हम लोग फीड में क्या फीड कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके रिएक्टेंट होंगे, पूरा रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होंगे। कैटलिस्ट क्या यूज़ किया जाता है, सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ये रिएक्शन जो होगी वेपर फेज में होती है, प्रोपिलीन वेपर होती है, एयर वेपर फेज में होती है, लेकिन जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो सॉलिड है, मॉलिब्डेनम बिस्मथ या मॉलिब्डेनम बिस्मथ जो है ना हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये वेपर फेज रिएक्शन है जहाँ पे कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में है। तो ये कौन से, होमोजीनियस रिएक्शन है या हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है कि वेपर्स जो है ना आपके, एक रिएक्टेंट, कुछ रिएक्टेंट वेपर फॉर्म में है और कैटलिस्ट जो आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो हेट्रोजीनियस रिएक्शन का
एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे या प्रोसेस फ्लो शीट की हेल्प से देखेंगे कि कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले फ्लो शीट की हेल्प लेंगे हम लोग। तो फ्लो शीट में बेसिकली क्या है कि क्या क्या रिएक्टेंट होगा। तो रिएक्टेंट हमने देखा क्या है, अमोनिया रिएक्टेंट है, अमोनिया रिएक्टेंट है आपके, प्रोपिलीन रिएक्टेंट है, एयर रिएक्टेंट है, और इन तीनों को कंबाइन करके स्टीम की हेल्प, स्टीम को भी मिक्स कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर आपका रेज करना है 500 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, तो स्टीम यूज़ करते हैं। तो प्रोपिलीन, एक्चुअली ये जो प्रोपिलीन, प्योर हम लोग प्रोपिलीन नहीं यूज़ करते हैं, ये जो प्रोपिलीन होती है रिफाइनरी से जो ऑप्टेंड होती है, नेफ्था क्रैकिंग प्रोसेस से ऑप्टेंड होती है, उसमें प्रोपेन भी होती है थोड़ा बहुत। तो प्रोपेन को एक्चुअली, अगर हम प्रोपिलीन को प्रोपेन से सेपरेट करने चले जाएंगे तो डिस्टिलेशन कॉलम में सेपरेट करना पड़ेगा और वो एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। तो प्रोपेन के प्रेजेंस से जो है रिएक्शन पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब उसके यील्ड पे, जो आपका एक्रायलो नाइट्राइल है जो हम लोग का टारगेट प्रोडक्ट है, उसके यील्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रोपिलीन के साथ प्रोपेन भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए प्रोपिलीन प्लस प्रोपेन फीड स्टॉक हम लोग यूज करते हैं। इसमें अमोनिया है, एयर है, स्टीम है, इन सभी को मिक्स करते हैं, उसके बाद कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ एक्सप्लोजन के बहुत कम चांसेस हैं, कोई चांस नहीं है, तो इसलिए तीनों को सबको कंबाइन करके कंप्रेस कर लेते हैं। कंप्रेस करते हैं जो अपना डिजायर्ड प्रेशर है 1.5 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस किया। उसके बाद हम लोग कहाँ ले जाएंगे, रिएक्टर में ले जाएंगे। जो ये रिएक्टर किस टाइप का है, फ्लूडाइज बेड रिएक्टर है। तो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टर होता है केमिकल इंडस्ट्री में। इसकी डिज़ाइन बहुत डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि फ्लूडाइज फॉर्म में रखना, अगर बहुत ज़्यादा इसकी वेलोसिटी हम लोग कर देंगे तो कैटलिस्ट सब ज़्यादा जाके यहाँ के वॉल से, ऊपर वॉल से टकराने लगेगा, तो रिएक्शन इफिशियंट हो नहीं पाएगी जब तक कैटलिस्ट से कॉन्टैक्ट प्रॉपर होगा नहीं। अगर आपने वेलोसिटी कम रखी तो पता चला कि कैटलिस्ट फ्लूडाइज्ड ही नहीं हो पाएगा, वो नीचे आके सेटल हो जाएगा। तो वेलोसिटी को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है इसमें, फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में। तो फ्लूडाइज बेड रिएक्टर, ये फ्लूडाइज बेड रिएक्टर में रिएक्शन होती है, या फ्लूइड बेड रिएक्टर कहिए उसमें, वहाँ पे कैटलिस्ट जो है सॉलिड कैटलिस्ट हम लोग देखा, मोलिब्डेनम बिस्मिथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगी, रिएक्शन होगी इस रिएक्टर में, और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कुछ कूलिंग मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टर अपना है उसमें जैकेट उसके चारों ओर बना देते हैं और उसमें जो है ना कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है इन द रेंज ऑफ 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो जब रिएक्शन होगी आपका तो प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा, रिएक्टेंट भी होंगे। अगर अब हम लोग के साथ सामने एक चैलेंज ये हो रहा है कि इसको हम लोग कैसे सेपरेट करें, अगर पूरा स्ट्रीम ले जाते हैं तो कैटलिस्ट ज़्यादातर चला जाएगा बाहर और उसको फिर हम लोग को रीजनरेट करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा बेसिकली, और हो सकता है कुछ कैटलिस्ट अगर यूज़ हो गए हैं तो रीजनरेट करना पड़ेगा। तो एक अरेंजमेंट इसमें यह किया जाता है कि जो साइक्लोन यूज़ करते हैं, तो साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, साइक्लोन इस टाइप का आपका डिवाइस होता है, यहाँ से मान लीजिए हमने ये आपकी प्रोडक्ट आ रही हैं, प्रोडक्ट में क्या होगी, वेपर्स हैं और आपका सॉलिड कैटलिस्ट है, तो जैसे यहाँ होता है आता है ना, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, एरिया बढ़ जाता है, तो गैसेस तो ऊपर बाहर मोटर लगी होती है तो मोटर से गैसेस इसको खींचती है, लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाके फिर यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, तो फिर यहाँ से हम लोग रिकवर कर लेंगे। तो जो गैसेस होंगी आपकी, वेपर्स होंगी, वो टॉप से निकल जाएंगी और जो आपका कैटलिस्ट है, सॉलिड कैटलिस्ट है, स्फेरिकल कैटलिस्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो स्फेरिकल कैटलिस्ट नीचे सेटल हो जाएगा उसकी ग्रेविटी की वजह से, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो यूजुअली नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसमें आपका प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट को यहाँ से पास करते हैं, तो कैटलिस्ट जो है ना इसी में इंट्रेन रह जाएगा और प्रोडक्ट्स की वेपर जो है ना यहाँ से साइक्लोन से हम लोग बाहर निकाल लेंगे।
जो प्रोडक्ट्स वेपर्स बनी अब क्या हम लोग के पास यहाँ पे बचा वो अगर हम लोग यहाँ पे देख लें, क्योंकि अब उन्हें रिएक्शन यहाँ पे हो गई, रिएक्शन हो गई तो अब जो नेक्स्ट पोर्शन है वो सेपरेशन का होता है। और एक चीज़ और, यहाँ पे रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट होती है, विद इन द सेकेंड जो है ना रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। और इसलिए टेम्परेचर भी कंट्रोल रखते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा टाइम तक रहेगा और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहेगा तो साइड रिएक्शन ज़्यादा होने लगेंगे। तो हमारा इस वक्त क्या क्या प्रोडक्ट्स में, ये जो प्रोडक्ट स्ट्रीम जा रही है वेपर स्ट्रीम, उसमें क्या क्या होगा? आपका एक्राइलो नाइट्राइल होगा जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक्राइलो नाइट्राइल है, एसीटो नाइट्राइल है, आपका एस सी एन आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एस सी एन है, और क्या है आपका एयर हम लोग यूज़ किए थे तो अनरिएक्टिव नाइट्रोजन भी होगी, अगर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो तो नाइट्रोजन नहीं आते, लेकिन एयर ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो नाइट्रोजन तो इनर्ट है इसमें रिएक्ट नहीं करती है, तो नाइट्रोजन अवेलेबल होगी। और हम लोग के पास क्या अवेलेबल होगा? एक्राइलो नाइट्राइल हो गया, एसीटो नाइट्राइल हो गया, एस सी एन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और क्योंकि प्रोपलीन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोपलीन तो मोस्टली रिएक्ट कर जाती है, लेकिन प्रोपेन जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, तो प्रोपेन भी बचती हैं। तो अब हम लोग का टारगेट जो होगा इन सब कंपाउंड्स को सेपरेट करना होगा। तो इसमें सबसे लाइटर वैसे देखा जाए तो प्रोपेन है आपकी, नाइट्रोजन है, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लाइटर और हैवियर फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको सेपरेट करेंगे? प्रोपेन और नाइट्रोजन को सेपरेट करेंगे। तो जो वेपर्स हैं यहाँ से आपके, ये आपके रिएक्टर से जो वेपर्स निकलेंगी उसको हम लोग वाटर स्क्रबर यूनिट में ले जाएंगे। वाटर स्क्रबर क्या करेगा? ये सब तो जो है ना उनको एब्जॉर्ब बेसिकली कर लेता है या उनके साथ लिक्विड बना लेता है, लेकिन जो क्या करता है प्रोपेन जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ये वाटर स्क्रबर वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो वाटर यहाँ से हम लोग टॉप से वाटर स्क्रबर में वाटर डालते हैं और यहाँ नीचे से हम लोग फ्लो करते हैं गैसेस जो वेपर्स हैं अपनी। तो यहाँ पे प्रोपेन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो प्रोपेन और नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, टॉप से वेपर फॉर्म में है वो तो निकल जाएंगी। और जो आपका लिक्विड्स बचे, जो आपके लिक्विड्स बचे, एक्राइलो नाइट्राइल है, एसीटो नाइट्राइल है, एससीएन है, और वाटर जो ढेर सारा हम लोग यूज़ कर रहे हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वाटर बचा। अब क्या है कि अब हम लोग सेपरेट करना चाहेंगे, नेक्स्ट स्टेप, हमने यहाँ पे क्या क्या सेपरेट कर लिया, हमारा नाइट्रोजन और प्रोपेन सेपरेट हो गया, अब हमारे पास एसीटो नाइट्राइल बचा, एक्राइलो नाइट्राइल बचा, एससीएन बचा, प्लस वाटर और ऐड हो गया यहाँ पे, तो इनको सेपरेट करना चाहेंगे। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं भाई, डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक इशू है, इशू ये है कि जो एक्राइलो नाइट्राइल और एसीटो नाइट्राइल है उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, एक का 82 डिग्री सेल्सियस है एसीटो नाइट्राइल का, और एक्राइलो नाइट्राइल जो लाइटर है इसमें 78.5 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हम लोग के पास सामने चैलेंज आ गया, क्योंकि जब इतना क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं तो हम लोग उनको सीधे डिस्टिलेशन कॉलम में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पे एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर्स बना लेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे आप, उनको हीट देंगे तो दोनों वेपराइज हो जाएंगे, जहाँ पे अगर आप कूल करेंगे उनको तो दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इतना क्लोज होने की वजह से तो रिलेटिव वोलेटिलिटी यूजुअली कम हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, रिलेटिव वोलेटिलिटी में डिफरेंस नहीं रह जाता है। तो फिर हम लोग उनको जस्ट डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें हम लोग कि इनको किसी और मेथड से हम लोग सेपरेट कर लें। तो हम लोग प्रोडक्ट स्प्लिटर में ले जाते हैं, वाटर ऑलरेडी हमने यूज़ किया है, तो जब प्रोडक्ट स्प्लिटर में ले जाते हैं तो वहाँ से जो दो स्ट्रीम बेसिकली हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से दो स्ट्रीम, एक जो एक एक्राइलो नाइट्राइल कंटेनिंग स्ट्रीम होगी और दूसरी जो है आपकी एसीटो नाइट्राइल कंटेनिंग स्ट्रीम होगी। तो जो प्रोडक्ट सेपरेशन यूनिट है, प्रोडक्ट स्प्लिटर है, तो उसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा क्या होता है, पहली वाली स्ट्रीम में देखेंगे तो जो लाइटर वाले हैं उनको रखेंगे, तो हम लोग एक्राइलो नाइट्राइल होगा, एस सी एन होगा, लाइट एंड्स होंगे जो एकदम लाइट एंड हैं, मतलब स्मॉल, इनसे भी कम बॉइलिंग पॉइंट्स है, और क्या होगा आपका हैवी एंड्स भी कुछ रहते हैं, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि हैवी एंड्स टॉप पे भी आएगा, हैवी एंड्स बॉटम पे भी आएगा। एक्चुअली हैवी एंड्स जब कहते हैं तो उसका ये आशय होता है कि उसमें ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, कई कंपाउंड्स हैं, और जो कई कंपाउंड्स हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना एक रेंज होती है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं होते हैं। जब आप सोल्यूशन बना देते हैं कई चीज़ों का, एक जस्ट एक समझने के लिए जब सोल्यूशन बना लेते हैं तो सोल्यूशन कई चीज़ कई इसका मिक्सचर हो जाता है,
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जस्ट एक टेम्परेचर नहीं होता, एक रेंज होती है। तो उसी तरह जब जैसे हैवी एंड्स हैं तो उसमें कई कंपाउंड्स होंगे, कोई लाइटर होगा कोई हैवियर होगा, लेकिन इनके कंपेरिजन में वो हैवियर एंड्स, हैवियर बॉइलिंग पॉइंट है, तो हैवियर एंड होते हैं, तो वो कुछ टॉप में भी चले जाएंगे और कुछ बॉटम्स में, मतलब कुछ एक्राइलो नाइट्राइल के साथ चले जाएंगे और कुछ एसीटो नाइट्राइल के साथ चले आएंगे। तो जो एक्राइलो नाइट्राइल के साथ स्ट्रीम जा रही है, बस यही यहाँ पे समझने का है कि एक्राइलो नाइट्राइल के साथ जा रही होगी तो एक्राइलो नाइट्राइल जाएगी बेसिकली आपकी, और क्या जाएगा आपका, वाटर जाएगा, हैवी एंड्स जाएंगे, एससीएन लाइट है और लाइट एंड्स सारे जाएंगे, हैवी एंड्स का कुछ फ्रैक्शन जाएगा, ये टॉप से जाते हैं। अब टॉप से जाते हैं तो इनको वाटर है तो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन हम लोग को करना पड़ता है, नॉर्मल डिस्टिलेशन से वर्क नहीं होता है। तो जो क्योंकि सिमिलर फ्रैक्शन है तो जो ऑपरेशन ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट वही ऑपरेशन नीचे यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो एक प्रोसेस एक ऑपरेशन है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या आया हम लोग के पास, एक्राइलो नाइट्राइल है, वाटर है, हैवी एंड्स हैं और लाइट एंड्स हैं। तो हम लोग एज़ियोट्रोपिक डिस्टिलेशन कॉलम में ले गए, तो वहाँ पे जो यहाँ से जो वेपराइज करते हैं इसको हीट देते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग पार्शियल कंडेंस कर लेते हैं, हाँ ऊपर कंडेंसर लगा रहता है तो पार्शियली कंडेंस करते हैं, तो पार्शियली कंडेंस करते हैं तो कुछ जो रहती हैं कुछ स्ट्रीम वेपर में फॉर्म में रह जाएंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में रह जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग को जब यहाँ के टॉप से तीन स्ट्रीम मिलती है, एक वेपर स्ट्रीम मिलती है, दूसरी क्या मिलती है हम लोग को, एक आपका ऑर्गेनिक एक मिलेगा फ्रैक्शन मिलेगा, और तीसरा क्या मिलेगा, एक्वस फ्रैक्शन मिलेगा, वाटर जो प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम है यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से जब इसको पार्शियली कंडेंस किया, सारी यू वेपर्स जहाँ से निकली तो सारी वेपर्स को नहीं कंडेंस किया, टोटल कंडेंसर नहीं उसके हम लोगों ने पार्शियली कंडेंस किया, तो पार्शियली कंडेंस किया तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिलेगी, एक वेपर मिलेंगी, वेपर की स्ट्रीम तो लाइट एंड्स होंगे और एससीएन होंगे, तो इसको हम लोग ऊपर से निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या बचेगा आपका, और ऑर्गेनिक लेयर बचेगी और एक्वस लेयर बचेगी। तो ऑर्गेनिक लेयर और एक्वस लेयर तीन लेयर्स आपके हैं, तो इनको जो है ना हम लोग ऑर्गेनिक और एक्वस लेयर को हम लोग इसमें फिर से रिफ्लेक्स कर देते हैं। और जो आपका बॉटम में मिला जो हैवियर एंड्स होंगे, ये यहाँ से जो बॉटम में है आपका उसमें क्या है, ये एसीएन लाइटर एंड था ये निकल गया था, हैवियर एंड्स में आपका एक्राइलो नाइट्राइल बचा। तो एक्राइलो नाइट्राइल जो है ना एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम से हम लोग इसको ले जाएंगे कहाँ पे, प्योरीफिकेशन कॉलम में। तो प्योरीफिकेशन कॉलम में क्या होगा, प्योरीफिकेशन में हम लोग प्योरीफाई करते हैं बेसिकली डिस्टिलेशन से, लेकिन उस वहाँ पे ले जाने से पहले प्योरीफिकेशन कॉलम में हम लोग एक ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑक्जेलिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड बेसिकली जब ये रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कई कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे हैवी एंड्स में उसमें एक साइनोहाइड्रिन्स होता है, ये क्या होता है ये डिसोसिएट हो जाता है और क्या करता है, एक वोलाटाइल कंपोनेंट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, और ये जो वोलाटाइल कंपाउंड्स साइनोहाइड्रिन है आपका वो एक जो है ना पॉल्यूटिंग एजेंट है। तो क्या करते हैं हम लोग जब ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर लेते हैं तो क्या करता है कि उसको जो है ना डिसोसिएशन रोक देता है आपका जो साइनोहाइड्रिन है, तो साइनोहाइड्रिन का डिसोसिएशन रोक देगा तो जिससे पॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड यूज़ करते हैं। तो प्योरीफिकेशन कॉलम में क्या होगा, जो यहाँ से आपकी बॉटम से ले जा रहे हैं हम लोग, जिसमें बेसिकली आपका एक्राइलो नाइट्राइल है और हैवी एंड्स होंगे, तो एक्राइलो नाइट्राइल और हैवी एंड्स डिस्टिलेशन होंगे, तो जो आपका लाइटर कंपाउंड है वो टॉप से ऑब्टेंड हो जाएगा, तो वेपर फॉर्म में यहाँ से ऑब्टेंड होता है, लेकिन हम उस लोग उसको कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में आपको एक्राइलो नाइट्राइल प्रोडक्ट ऑब्टेंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये प्रोसेस, जो एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम था यहाँ से हम लोग को तीन बेसिकली तीन फॉर्म मिली थी, तीन स्ट्रीम सब एक मिली थी, आपकी वेपर फॉर्म में थी, आपकी लाइट एंड्स थी, एससीएन थी, एक ऑर्गेनिक लेयर थी, ऑर्गेनिक लेयर में बेसिकली एक्राइलो नाइट्राइल होगा और हैवी एंड्स हैं और वाटर है एक्वस लेयर। तो एक्राइलो नाइट्राइल इसको वाटर है उसको रिफ्लेक्स कर देते हैं इसमें, और फिर जो हैवी एंड्स यहाँ से मिलता हैवी एंड्स में एक्राइलो नाइट्राइल और आपका एक्राइलो नाइट्राइल और हैवी एंड्स होंगे, उसको हम लोग डिस्टिल प्योरीफिकेशन कॉलम में ले जाएंगे प्योरीफाई करने के लिए,
और प्योरीफिकेशन कॉलम में ले जाने से के जब ले जानते हैं तो उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड यूज़ कर देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो है साइनोहाइड्रिन, इस प्रोडक्ट इस जब रिएक्शन होती है तो साइनोहाइड्रिन बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो क्या करता है डिसोशिएट हो जाता है और वोलेटाइल कंपाउंड फॉर्म कर देता है। और ये वोलेटाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो पल्यूशन क्रिएट करते हैं, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है ना उसका सप्रेस कर देता है, उसको जो है ना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है साइनोहाइड्रिन के साथ, और वो डिसोशिएट नहीं हो पाता, इसलिए पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेता है। फिर ये डिस्टिलेशन कॉलम बेसिकली है, तो इसमें क्या होगा कि 99.5% की प्योरिटी का एक्राइलो नाइट्राइल, इसमें लाइटर कंपोनेंट है, लाइटर कंपोनेंट का मतलब लो बॉइलिंग पॉइंट है, तो टॉप से हम लोग ऑप्टेन कर लेंगे हैवी एंड से, जो बॉटम्स है उसमें हैवी एंड्स को हम लोग ऑप्टेन कर लेंगे। अब सिमिलर प्रोसेस है ये दूसरे स्टेप के लिए, दूसरी स्ट्रीम के लिए। इस वाली स्ट्रीम में बेसिकली क्या था आपका, दूसरी स्ट्रीम में हमारा था एसीटोनाइट्राइल था, वाटर था आपका, और थोड़ा ज़्यादा फ्रैक्शन हैवियंस का था। लाइट एंड यहाँ पे कुछ नहीं था, लाइट एंड सब सारा उसमें टॉप प्रोडक्ट से निकल गया था, हैवी एंड्स में वाटर था क्योंकि वाटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे वाटर हम लोगों ने यूज़ किया था वाटर स्क्रबर में। तो वाटर है आपका, एसीटोनाइट्राइल है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था तो नीचे से ऑब्टेन किया हम लोगों ने, और फिर हैवी एंड्स का ज़्यादा पोर्शन है। तो हम लोग फिर एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे, सिमिलर प्रोसेस है, वहाँ पे वाटर जो है ना इसमें हैवियर प्रोडक्ट्स है, सबसे ज़्यादा हैवी है वाटर, तो वाटर बॉटम से प्रोडक्ट बॉटम स्ट्रीम से, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से जो स्ट्रीम आ रही थी आपकी जिसमें एसीटोनाइट्राइल था, वाटर था और हैवियंस थे, उसको एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम में हम लोग ले गए। एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम में जो हैवियर प्रोडक्ट आपका वाटर था, वो बॉटम से हम लोगों ने उसको रिमूव कर लिया, और इस फिर जो टॉप से वेपर फॉर्म मिलेगी वहाँ पे क्या होगा आपका, बेसिकली एक ऑर्गेनिक लेयर्स होंगी और एक्वस लेयर होगी, वाटर वो टॉप टॉप से भी कुछ आएगा वाटर वेपर, तो उसको कंडेंस करके हम लोग फिर से रिफ्लक्स की तरह एज़ोट्रॉपिक कॉलम में डाल देते हैं, जिससे जो है ना लिक्विड का लेवल मेंटेन रहता है, क्योंकि लिक्विड यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन भी कर रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, तो लिक्विड का लेवल रिफ्लक्स इसीलिए यूज़ किया जाता है। तो सेलर टैंक से जो फिर आपका ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन में मतलब जिसमें एसीटोनाइट्राइल होगा आपका और हैवियर एंड्स होंगे, उनको फिर से डिस्टिलेशन कॉलम, जैसे टॉप में डिस्टिलेशन कॉलम में यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे साइनोहाइड्रिन नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड या कोई और ऐसा कंपाउंड नहीं ऐड कर रहे हैं, तो सीधे जस्ट इसको डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाएंगे। डिस्टिलेशन कॉलम बेसिकली क्या होता है, उसमें वहाँ पर जो लाइटर कंपोनेंट है वो टॉप से हम लोग उसको ऑप्टेन कर लेंगे, और जो हैवियर फ्रैक्शंस हैं उसको हम लोग बॉटम से ऑप्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह हम लोग का एसीटोनाइट्राइल भी हम लोग यहाँ पे रिकवर कर लिए, एक्राइलोनाइट्राइल जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट था उसको टॉप से हम लोगों ने रिकवर कर लिया। तो जस्ट एक बार समराइज़ कर देते हैं प्रोसेस को, तो प्रोसेस में पहला रिएक्शन स्टेप है, रिएक्शन स्टेप में क्या होगा आपके जो रिएक्टेंट हैं अमोनिया प्रोपिलीन एयर और स्टीम, स्टीम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग टेम्परेचर क्योंकि 400 से 500 डिग्री सेल्सियस का रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टर में ले जाएंगे। रिएक्टर की ख़ास बात क्या थी कि रिएक्टर जो है इसमें सॉलिड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे और इसके अंदर साइक्लोन यूज़ कर रहे हैं, साइक्लोन किसके लिए कि कैटलिस्ट को सेपरेट करने के लिए, अदरवाइज कैटलिस्ट इसके साथ चला जाएगा, और कूलिंग के लिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर जो है ना कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग प्रोपेन को जो लाइटर फ्रैक्शन था प्रोपेन और नाइट्रोजन को रिकवर करना चाहते थे, हम लोग वाटर स्क्रबर में ले गए, वहाँ पे वाटर डाला, प्रोपेन और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं हुई, बाकी ये सब वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो गए, तो प्रोपेन नाइट्रोजन हमने यहाँ से रिकवर कर लिया। जो मेन पॉइंट आके यहाँ पे रुके हम लोग स्प्लिटर में, स्प्लिटर में क्योंकि एक्राइलोनाइट्राइल और एसीटोनाइट्राइल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास था तो उनको हम लोग डिस्टिलेशन से यूज़ नहीं सेपरेट नहीं कर सकते थे, तो हमने स्प्लिट किया प्रोडक्ट को, एक जो है एक्राइलो नाइट्राइल वाला प्रोडक्ट हो जाएंगे, लाइटर फ्रैक्शन उसमें सारे आ जाएंगे, SCN होंगे, और थोड़ा बहुत हैवियर फ्रैक्शन जो दूसरा आपका स्ट्रीम निकलेगी उसमें एसीटोनाइट्राइल होगा, हैवियर फ्रैक्शन होंगे और वाटर ज़्यादा होगा। तो इसको एक्राइलो नाइट्राइल वालों को एजिट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम में ले गए, वहाँ पर जो लाइटर फ्रैक्शन है वेपर फॉर्म में वो टॉप से रिकवर कर लेते हैं हम लोग, आपका वेप जो वेप वो बाकी सबको हम लोग रिफ्लक्स से डाल देते हैं, जो हैवियर प्रोडक्ट्स में एसीटोनाइट्राइल होगा और हैवियर दूसरे हैवियर प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम लोग बॉटम से
लेके आपको हम लोग प्योरिफिकेशन कॉलम में ले जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड डालते हैं कि जो आपका साइनोहाइड्रिन बन रहा था उसको डिसोसिएट ना हो, वोलेटाइल कंपाउंड ना फॉर्म हो। ये डिस्टिलेशन कॉलम है बेसिकली। इसमें हम लोग जो लाइटर कंपोनेंट है आपका एक राइलोनाइट्राइल, उसको टॉप से ऑब्टेन कर लेंगे। सिमिलर प्रोसेस हम लोग यहाँ पे बॉटम दूसरा जो फ्रैक्शन था, दूसरी जो स्ट्रीम थी, उसके लिए यूज़ किए।